और ये है औरंगाबाद का 50 साल पुराना तारा पान सेंटर। और इनके पान पूरे देश में सुपरहिट है, क्योंकि भैया ये कांड ही कुछ ऐसा करते हैं। वैसे तो इनके मेन्यू में 51 तरह के पान हैं, लेकिन मेन्यू का स्टार है कोहिनूर पान। इसके मेकर मोहम्मद सिद्दीकी का ये दावा है कि इस पान को खाते ही आप बन जाएंगे ही मैन। आजकल अपन जिस हाल में है इस वक्त कि कई दुनिया भर के टेंशन ये वो, और इसलिए क्या है वो उसमें किसी किस्म का अपना उछाल आना चाहिए, वो उछाल के लिए पान खाया जाता है। आज मेरी जो है शादी हुई है और इस पान की जो है खासियत मैं बचपन से सुनता आया हूँ, और आज मेरे खास शादी के दिन मैं इस पान को खाने के लिए आया हूँ। मतलब पान खाए सैया हमार और सीधे सरकाई लियो खटिया जाड़ा लगे। अरे भैया पूरे 5,000 रुपए का है ये पान। आपको पता है कोहिनूर पान में क्या क्या पड़ता है? स्पेशल कस्तूरी जिसका 1 किलो का रेट है 70 लाख रुपए, ऐसा केसर जो मिलता है 2 लाख रुपया पर केजी, 80,000 रुपए पर केजी वाला गुलाब, और मामला सुगंधित करने के लिए एक ऐसा खास लिक्विड फ्रेग्रेंस जो सिर्फ वेस्ट बंगाल में मिलता है। और इन सब के अलावा इस्तेमाल होता है एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट जिसका राज यहाँ के स्टाफ को भी नहीं पता, पता है तो सिर्फ मोहम्मद मियां और उनकी अम्मी जान को। शादी से पहले वो पान बेचता नहीं था मैं। शादी के बाद क्या हुआ, मेरी माँ ने बोली भाई ये पान खा, अगर तेरे को अच्छा लगेगा तो उसको बेचना। मोहम्मद भाई ने अपनी सुहागरात पर ये पान खाया और उनको मिला है 100% रिजल्ट, इसलिए उन्होंने शुरू कर दिया इसका बिजनेस। और एक स्मार्ट बिजनेसमैन की तरह इनके पास लो कॉस्ट ऑप्शन भी है और लेडीज स्पेशल भी है। अरे तो मैंने 3,000 वाला खाया हूँ, उसका असर 3 दिन तक के रहता है, और उसके ऊपर वाला तो उससे ज्यादा होगा। इनके पान की स्पेशल पैकिंग भी होती है इतर की बॉटल के साथ। इनफैक्ट इस धमाकेदार पान के लिए लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। और आपको पता है कि यहाँ पर हर रोज कितने पान बिकते हैं? नॉर्मल पान और स्पेशल पान दोनों को मिलाकर ऑलमोस्ट 10,000 पान। हमारा एडवाइजर ग्राहक है, ग्राहक जिसने पान लेके खाके गया, अलग अलग टाइप्स के लोग देते मियां थैंक यू। अरे बहुत धूम मजा है भाई तुम्हारे पान ने। कहते हैं कि लगभग 2000 साल पहले लिखी गई कामसूत्र में भी ये माना गया है कि कुछ खास फूड ऐसे हैं जिन्हें खाकर इंसान एक्शन मोड में आ जाता है। एफ्रोडिजियक वर्ड आया है, एक ग्रीक गॉडेस है एफ्रोडाइट करके, जिसके नाम से आया, जो कही जाती थी गॉडेस ऑफ लव एंड फर्टिलिटी। पुराने से पुराने स्क्रिप्चर्स जो हैं, लिखे हुए ग्रंथ हैं, हर देश में हर भाषा में उसमें इस तरह की चीजों का उल्लेख किया गया है। जो इंग्रेडिएंट्स है, जिस तरह से उनको बनाया जाता है, जिस तरह से उनके अंदर फ्लेवर्स डाले जाते हैं, उसको जिस तरह से पैकेज करके दिया जाता है, इन सब के प्रेजेंटेशन की वजह से इंसान के मन में एक तरह का भाव पैदा होता है कि ये सब है, यानी कि ये कोई स्पेशल चीज। अब ये साइंस हो या दिमाग की ट्रिक्स, मगर लोग तो इस पान के जबरदस्त दीवाने लगते हैं। और जब लोगों की